हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल लिटिल क्राफ्ट हाउस 15 पर स्वागत है। इस चैनल पर आपको आर्ट, क्राफ्ट और फूड रेसिपी सीखने मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल लिटिल क्राफ्ट हाउस 15 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए डिलीशियस डेजर्ट रेसिपी पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। आपको यह रेसिपी सिर्फ हमारे चैनल लिटिल क्राफ्ट हाउस 15 पर ही मिलेगी। फ्रेंड्स, आज हम आलमंड एंड पीनट चिकी रेसिपी सीखने वाले हैं। तो चलो झटपट इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, यह रेसिपी क्विक एंड इजी रेसिपी है। यह रेसिपी हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने आलमंड पाउडर यूज़ की है। हमने एक बॉल आलमंड पाउडर ली है और एक बॉल पीनट पाउडर ली है। उसके लिए हमने पहले आलमंड को ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसकी मिक्सी में अच्छी से पाउडर बना ली है। उसी के साथ पीनट को हमने भी ड्राई रोस्ट कर लिया। पीनट के हमको छिलके निकाल लेना है और उसकी पाउडर कर लेनी है। उसी के साथ हमने 2 टेबलस्पून वाटर, 2 टेबलस्पून होममेड घी और 2 टेबलस्पून होममेड कार्डमम पाउडर ली हुई है। फ्रेंड्स, अब हम एक पैन लेंगे, उसे अच्छे से धीमी आंच पर गर्म कर लेंगे। अब हम उसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड कर लेते हैं। अब हम ग्रेटेड जैगरी यानि हमारा गुड़ लेंगे और उसे हम इसमें ऐड कर लेंगे। आंच हमें धीमी ही रखनी है और लगातार हमें उसे हिलाते रहना है। जब तक गुड़ मेल्ट ना हो जाए तब तक हम उसे धीमी आंच पर ही रखेंगे। गैस की आंच धीमी ही रखेंगे और गुड़ को लगातार चलाते रहेंगे। तो अभी हम चम्मच लेंगे और धीरे धीरे सावधानी से, गुड़ गर्म हो जाएगा तो हमें सावधानी रखनी चाहिए। जब गुड़ मेल्ट होता है तो उससे बबल उड़ सकते हैं, इसलिए हमें सावधानी से हमें चम्मच चलाते रहना है। गैस की आंच हमेशा ध्यान रखें कि गैस की आंच धीमी ही रखें। देखिए, अब हमने चम्मच लिया है, अब हम धीरे धीरे उसे मेल्ट करना शुरू करेंगे। और इसमें हम अभी 2 टेबलस्पून वाटर ऐड कर लेते हैं। धीरे धीरे ऐड करेंगे, यह हमें गुड़ मेल्ट करने में हमें मदद करेगा। देखिए, लगातार हमें चम्मच ही चलाते ही रहना है और गैस की आंच धीमी ही रखनी है। गैस की आंच धीमी रखने की वजह से इसमें थोड़ा समय लगता है। देखिए, थोड़े थोड़े समय में हमारा गुड़ पिघलने लग रहा है, मेल्ट हो रहा है। गैस की आंच प्लीज़ धीमी ही रखें, उसे तेज न करें। देखिए, अच्छे से गुड़ मेल्ट होने लगा है। लगभग इसमें 5 से 6 मिनट तो लग जाते हैं गुड़ अच्छे से मेल्ट होना है। अब इसका रंग भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। देखिए, चम्मच लगातार हमें चलाते ही रहना है और सावधानी रखनी है क्योंकि गुड़ में
मेल्ट होते समय बबल निकलते हैं तो हमें सावधानी रखनी है, धीरे धीरे हमें करना है। देखिए अभी मेल्ट हो रहा है गुड़, थोड़ा समय तो लगेगा, हमें लगातार चम्मच हिलाते ही रहना है। देखिए अब गुड़ का रंग भी बदलने लगा है, कुछ ही देर में गुड़ मेल्ट हो जाएगी। देखिए अच्छे से गुड़ मेल्ट हुई है, हम इसे चेक करेंगे, ज़रा भी गुड़ नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से गुड़ पूरी गुड़ मेल्ट होनी चाहिए। देखिए चम्मच लगातार हिला रहे हैं हम। देखिए अब गुड़ का रंग भी बदल गया है और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। देखिए चेक करते हैं, देखिए हमारी गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमारी गुड़ तो अच्छे से मेल्ट हो गई है, हमने चेक भी कर लिया है। अब हमें पहले आलमंड पाउडर लेनी है और हमें आलमंड पाउडर उसमें ऐड करनी है। तो चलो हमने आलमंड पाउडर ले ली है, अब धीरे धीरे हम इसे इसमें ऐड कर लेते हैं। देखिए हमने सभी आलमंड पाउडर को इसमें ऐड कर लिया है। अब हम पीनट पाउडर लेंगे और धीरे धीरे इसे भी ऐड कर लेंगे। देखिए अब हम सभी आलमंड पाउडर के साथ पीनट पाउडर भी हम ऐड कर लेते हैं, धीरे धीरे करना है। उसी के साथ हमने प्लेट ली हुई है, उसे हमने घी से ग्रीस कर लिया है। जैसे ही हमारा चीकी का मिश्रण तैयार हो जाएगा हम उसे इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। यह सब हमें जल्दी जल्दी करना है। देखिए अब हमने आलमंड पाउडर और पीनट पाउडर उसमें ऐड कर लिए, अब गैस बंद कर देनी है। हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और जल्दी से इसे उस प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। प्लेट में ग्रीस करना ना भूलें, नहीं तो चिकी निकलेगी नहीं आसानी से। अब हम इसे लेंगे और हमारी ग्रीस प्लेट पर हम उसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, धीरे धीरे करना होगा, बहुत ही गर्म होगा यह मिश्रण, तो सावधानी से हमें इसे ट्रांसफ़र करना है। तो चलो अभी हम अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फ्रेंड्स यह रेसिपी आलमंड पाउडर की वजह से हेल्दी है, आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। देखिए अभी हमने वह सभी मिश्रण उस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है, अभी हम इसे अच्छे से सेट करने हैं। उसके लिए हमें धीरे धीरे उसे हिलाते रहना है। देखिए अभी हमने हमारा चिकी का मिश्रण अच्छे से सेट कर लिया है, अब यह ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, तो हम इसे कट करके इसकी चिकियाँ बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। जैसे ही यह मिश्रण ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, तभी हम इसकी चिकियाँ बना लेंगे। उसके लिए हमें एक नाइफ़ लेना होगा और नाइफ़ की हेल्प से हम इसकी छोटी छोटी चिकियाँ बना लेंगे। ध्यान रखें फ्रेंड्स, जब यह अच्छे से ठंडा हो जाए तभी हम इसमें ऊपर से इलायची पाउडर जो हमने ली थी, होममेड इलायची पाउडर, इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। देखिए हमारा चिकी का मिश्रण ठंडा हो गया था और उसे हमने कट कर लिया था। अब चाहे तो आप ऐसे भी
चिकी को सर्व कर सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना, होममेड टेस्टी और हेल्दी चिकी। इसमें आलमंड पाउडर है, बादाम बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, और उसी के साथ सभी का मनपसंद पीनट भी है। तो आप इस चिकी को अच्छे से कट करके आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, या तो आप स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने इस चिक्की के डेकोरेशन के लिए कुछ किशमिश लिए हैं। अगर आप ऐसे ही पसंद करते हैं तो आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी होममेड टेस्टी डिलीशियस डेजर्ट रेसिपी जो हमने बनाई है, पीनट और आलमंड चिक्की, अब सर्व करने के लिए रेडी हो गई है। चाहे तो आप ऐसे ही सर्व कर दीजिए, या फिर हमारी तरह इस पर हमने कुछ किशमिश लिए हुए हैं। किशमिश बच्चों को भी बहुत पसंद है और दिखने में बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। देखिए, अब हम एक एक किशमिश इस पर लगा देंगे। अब हमारी डिलीशियस होममेड आलमंड चिक्की डेकोरेट भी हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, सुंदर है ना। तो आप इस क्विक एंड इजी और हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा डिलीशियस डेजर्ट रेसिपी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो अगर मिस कर दिया हो तो आप उसे ज़रूर ज़रूर देख लें। आज का यह वीडियो हमारा डिलीशियस डेजर्ट रेसिपी पार्ट 3 आलमंड एंड पीनट चिक्की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, और हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप और भी कुछ अच्छी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, हम वही रेसिपी आपके लिए लेकर आ जाएंगे। फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आर्ट, क्राफ्ट और डिलीशियस फूड रेसिपी के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल लिटिल क्राफ्ट हाउस 15 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, तो एंजॉय कीजिए ये होममेड डेजर्ट, और हमारे चैनल लिटिल क्राफ्ट हाउस 15 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी हम और अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। तो चलो अभी हम रिकैप देखते हैं।